नमस्कार, मैं उमेश तिवारी। आप देख रहे हैं जिम न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई के स्कूल बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण बंद होने के बाद आज यानी 24 जनवरी को सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुल गए हैं। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने 20 जनवरी को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम फैसला जिलाधिकारियों के हाथ में था। इसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने मुंबई स्कूल को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जाएगी। ऐसे में स्कूल जाना अनिवार्य नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को खोलने से पहले कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है और सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं विस्तार में स्कूलों को खोलने से पहले किस तरह की कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। छात्रों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी छात्र या उसके माता पिता को लगता है कि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है तो वह ऑनलाइन माध्यम से भी कक्षाओं से जुड़ सकता है। शारीरिक तौर पर कक्षाओं के लिए स्कूल परिसर में पहुंचने वाला छात्रों को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूल परिसर में आने वाले छात्रों को अपने माता पिता द्वारा लिखित सहमति पत्र लाना होगा और स्कूलों को फिर से खोलने से पहले इन पत्रों को स्कूलों में जमा करना होगा। बिना इसके स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्कूलों को फिर से खोलने के लिए होने वाली तैयारियों के मद्देनजर सभी बातों को ध्यान रखना होगा। ये कर्मचारी सभी तैयारियां पूरी करेंगे और उन्हें इन कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मुंबई के सभी स्कूलों को न केवल फिर से खोलने से पहले बल्कि स्कूल संचालन के दौरान भी नियमित अंतराल पर स्कूल परिसर में साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान लागू रहना चाहिए। BMC क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के छात्रों को टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। तो यह थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जिम न्यूज के साथ।